सो हाय एवरीवन, दिस साइड विपिन फ्रॉम ट्रेड एक्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली रियली वेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू जस्ट अ फ्यू अपडेट्स। अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स एंड स्विच इट टू ऑल आइकन। एंड द अदर अपडेट, अगर आप अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल पे नहीं आए हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से टेलीग्राम पे पहुंचो। टेलीग्राम पे आप लोगों को गिव अवे से रिलेटेड अपडेट्स, हर एक सेगमेंट्स के, हर एक मार्केट्स के फास्टेस्ट अपडेट्स, नॉलेज एंड VIP सिग्नल्स, फ्री सिग्नल्स एंड अ लॉट मोर थिंग्स। आपको हर एक चीज का सबसे फास्टेस्ट अपडेट टेलीग्राम पे मिलने वाला है। मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम ट्रेडिंग कम्युनिटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पॉज अ वीडियो फॉर अ वाइल एंड फटाफट से टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाओ। सो दिस वीडियो इज गोना बी मोर इंपॉर्टेंट देन लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था दैट हाउ यू कैन क्रिएट अ बाइनेंस अकाउंट, दिस वीडियो इज गोना बी मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर इंटरेस्टिंग एज वेल। आई गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स कि ये चीज तो हमने सीख ली दैट हाउ वी कैन क्रिएट बाइनेंस अकाउंट एंड हाउ वी कैन वेरीफाई इट। अभी हमें सीखना है दैट हाउ वी कैन डिपॉजिट इनटू कोटेक्स वाया बाइनेंस एंड बाइनेंस से किस तरीके से विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में पैसे वापस लेने हैं। सो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू दिस टॉपिक दैट हाउ यू कैन डिपॉजिट इनटू योर कोटेक्स अकाउंट वाया बाइनेंस एंड किस तरीके से आप लोग विड्रॉ ले सकते हो। एंड आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ हमारे लाइव अकाउंट में हर एक चीज करके, डिपॉजिट, विड्रॉल, पीयर टू पीयर मेथड के थ्रू, बाय सेल, हर एक चीज आप किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हो। सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो टिल एंड आई विल सी यू ऑल एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो ऑलराइट, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट में। प्राइमरी अकाउंट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और बैलेंस इज अराउंड $3,400, विच मींस 3 लाख रुपीज इन INR। अभी हम लोगों को सिंपली डिपॉजिट करना है, क्योंकि जब आप लोग ऐसे ओपन करोगे, प्रोपे स्विच करोगे, देन इट शुड बी जीरो। आप लोगों के लिए जीरो रहेगा क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं होगा उस टाइम पे अकाउंट में। सिंपली आपको डिपॉजिट पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपके पास क्रिप्टो एसेट्स नहीं होंगे अभी, तो आपको आई डोंट हैव क्रिप्टो एसेट्स एंड P2P ट्रेडिंग पे टैप कर देना है। P2P मींस पीयर टू पीयर, हम लोग किसी को अपने एसेट्स देंगे एंड उससे उसके एसेट्स ले लेंगे। कुछ दिया एंड उसके बदले कुछ आ गया, जो हमने दिया उसके बदले वो आ गया जो हमें चाहिए था, दैट मींस क्लियर। अब यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन आएगा। बाय एंड सेल मींस हमें बाय करने हैं, सेल करने हैं। बाय हम करेंगे क्योंकि हमें कोटेक्स में डिपॉजिट करना है पहले। सेल हम कब करेंगे, जब हमें कोटेक्स से पे आउट आ जाएगा उस वक्त हम सेल करेंगे। बाय पे टैप करते हैं यहाँ पे। बाय USDT में अभी मुझे, मेरे लिए प्रीफरेबल मेथड है UPI। UPI यहाँ पे ऑल द टाइम अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको किसी डील में UPI नहीं मिलता है, फिल्टर पे टैप करना है, नीचे स्वैप करके UPI पे टैप कर देना है, कन्फर्म। अभी जितनी भी डील्स है आप लोगों को दिखाएगा, रिस्ट्रिक्टेड वाली को आप लोगों को अवॉइड करना है। जितनी भी डील्स दिखाएगा आप लोगों को, सभी डील्स UPI की दिखाएगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखा रहा है, 15 मिनट के अंदर हमारे पास हमारा फंड जो है वो आ जाएगा। अभी बेसिकली मुझे बाय करने हैं USDT, मुझे बेसिकली बाय करने हैं 100 USDT। सो चलो देखते हैं, जो भी हमें सुटेबल एंड प्रीफरेबल डील लगेगी उसी के साथ हम लोग जाने वाले हैं। सो यहाँ पे ऑलराइट, आई गोट 9,000 रुपए से एंड 20,000 रुपए तक के USDT हम इस डीलर से बाय कर सकते हैं। बाय क्रिप्टो में इस चीज को एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी मुझे बाय करनी है, मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ $110 हमें जो है वो पड़ने वाले 9,991.30 रुपीज के। बाय USDT पे मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर देना है। ये कुछ आप लोगों को लाइक प्रिकॉशंस बता रहा है। उसके बाद हम लोगों को जाना है यहाँ पे सिंपली पहले चैट सेक्शन में जाने के बाद इनकी वार्निंग्स को पढ़ लेना है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, सो वी कैन कॉन्टेक्ट टू देम एज वेल, वेलकम इनका नेम है। एंड अभी हम लोगों को यहाँ पे सिंपली टैप करना है मेक पेमेंट पे। मेक पेमेंट पे टैप करते के साथ आप लोगों के सामने यहाँ पे इनके फोन पे का नंबर भी आ गया है, फोन पे की UPI ID भी आ गई है। सो हम लोगों को सिंपली यहाँ से UPI ID को कॉपी कर लेना है, सिंगल टैप में यहाँ से कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद हम लोगों को आना है अपने पेमेंट डिवाइस में। पेमेंट डिवाइस में आते के साथ सिंपली मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना फोन पे। फोन पे ओपन करने के बाद टू मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे हम लोगों को सिंपली अपना जो UPI है वो एंटर कर देना है। एंड UPI एंटर करने के बाद हमें जितना भी अमाउंट वहाँ पे दिखाया गया है वो पेमेंट हमें इनिशिएट कर देना है। सो सिंपली मैं यहाँ पे UPI को एंटर कर देता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे UPI को एंटर कर दिया। UPI एंटर करने के बाद इनका जो नेम आया है वो मेरे पास आया है महावीर जाखर। एंड यहाँ पे भी आप लोगों को नेम को वेरीफाई कर लेना है, द नेम इज महावीर जाखर। ऑलराइट, सब चीजें परफेक्ट है। कन्फर्म पे टैप कर देते हैं फोन पे में। एंड अपना जो अमाउंट है अभी हम लोगों को वो अमाउंट जो है यहाँ पे टैप कर देना है, लिख देना है 9991.30। चलो 0.30 में अगर यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है देन आई विल ट्रांसफर 9992 रुपीज। यहाँ पे सिंपली पेमेंट पे टैप कर देना है। जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है यू कैन डायरेक्टली इनिशिएट द पेमेंट। मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। All right, and yes, the payment is done. अभी पेमेंट अपना डन हो गया है। व्यू डिटेल्स पे आके आपको स्क्रीनशॉट लेना है इफ दे विल आस्क यू फॉर स्क्रीनशॉट। अदरवाइज सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ट्रांसफर्ड नोटिफाई द सेलर। सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है, ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। अभी उसके पास एक नोटिफिकेशन चला गया होगा कि हाँ
सामने वाली पार्टी ने पेमेंट कर दिया है, आप प्लीज चेक कीजिए एंड यूएसडीटी को रिलीज कीजिए। ओके पे टैप कर देना है। हम जाएंगे अभी यहाँ पे चैट सेक्शन में, इनको बोलने वाले हैं कि वी मेड द पेमेंट, प्लीज रिलीज द एसेट्स। चलो देखो, दैट इज क्वाइट फास्ट, थैंक्स ब्रो। लाइक हमने जो अपना डील किया था $110 का, हम लोगों को सिंपली इनको बोलना है, अगर इन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया है देन सिंपली हम लोगों को इनको बोलना है सर वी हैड मेड द पेमेंट, और आपको स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर देना है एंड आपको बोल देना है प्लीज रिलीज द एसेट्स। आप लोगों को बेसिकली बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दे विल रिलीज बाय इटसेल्फ। एंड यहाँ पे आ गया है, योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड, द एसेट यूएसडीटी विल बी सेंड टू योर अकाउंट एंड ऑर्डर इज कंप्लीटेड विद इन अ मिनट। होम सेक्शन पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूंगा एंड अभी मैं यहाँ पे यूएसडीटी देख सकता हूँ, जो मेरे पास पहले 3383 के अराउंड थे, दैट इज नाउ 3493। अपने पास अप्रोक्स $3500 हो गए हैं यहाँ पे। अभी हम लोग जाएंगे सिंपली अपना जो है कोटेक्स में, वहां से हम लोग यूएसडीटी के थ्रू डिपॉजिट को प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। कोटेक्स में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आई विल रिफ्रेश वंस अगेन, अपने पास है अभी यहाँ पे $1000 के अराउंड बैलेंस। स्टिल आई विल गो विद डिपॉजिट आप लोगों को दिखाने के लिए, जिससे कि आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हो जाए एंड आप लोगों के लिए थोड़ा और बेटर हो जाए। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे डिपॉजिट पे टैप कर देना है। डिपॉजिट पे टैप करने के बाद अभी देखो आप लोगों के सामने काफी सारे ऑप्शन, अगर आप यूएसडीटी टेदर ERC20 TRC20 BEP20 इनसे डिपॉजिट करते हो देन इन मेथड से आप लोगों को थोड़ा सा जो है चार्ज पे करना पड़ेगा, $3-5 की फी जो है वो ऊपर लगने वाली है। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग जिस चीज के साथ जाने वाले हैं, दैट इज Binance पे। UPI है तो वे बेटर आप लोगों के लिए, आप डायरेक्टली UPI यूज कर सकते हो, बट हम लोग यूज करने वाले करंटली Binance पे। Binance पे हम लोगों ने यहाँ पे टैप किया, $110 डिपॉजिट किए थे, $100 मेरा यहाँ पे मन है डिपॉजिट करने का। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे ह्यूज अमाउंट को जो है डिपॉजिट कर सकते हो, $10 से $50,000 तक आप लोग एक बार में डिपॉजिट कर सकते हो, दैट इज क्वाइट बेटर, मच बेटर। अभी मैं करूंगा सिंपली यहाँ पे $100 सिलेक्ट। $100 सिलेक्ट करने के बाद अगर आप लोगों के पास एक प्रोमो कोड है, सिंपली आप लोगों को प्रोमो कोड को डाल देना, अगर नहीं है लीव इट असाइड, ठीक है, एंड दैट्स इट। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ बिकॉज आई हैड ऑलरेडी एक्टिव बोनस। सो यहाँ पे मैं $100 के साथ डिपॉजिट करूंगा, $100 मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड दैट इज डन। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर टैप करूंगा। डिपॉजिट पे टैप करते के साथ आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है USD 100, $100 हम लोग जो है डिपॉजिट करने वाले हैं। ऑल राइट, अभी अपने सामने जैसे ही हम डिपॉजिट पे टैप करेंगे, अपने सामने कैसा कोड रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो इस कोड के को हमने लाइक सिंपली अपने मोबाइल के थ्रू स्कैन करना है एंड स्कैन करने के बाद हमें सिंपली एक $100 का पेमेंट जो है वो इनिशिएट कर देना है यहाँ पे। अभी मैं सिंपली अपने मोबाइल डिवाइस में Binance ऐप को अपने को ओपन कर लेता हूँ एंड Binance ओपन करने के बाद हम जो है ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर देते हैं। यहाँ पे जब आप अपने Binance को ओपन करोगे, यहाँ पे ऊपर आपके सामने मैं पेंसिल से मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे स्कैनर का एक ऑप्शन आएगा, ये स्कैनर का ऑप्शन आपको सिंपली इस आइकन पे टैप करना है एंड टैप करने के बाद आप लोगों को इस स्कैनर को स्कैन कर लेना है एंड मेरे सामने जो है वो स्कैन हो चुका है। अभी सिंपली यहाँ पे आप लोगों को जस्ट कंटिन्यू पे टैप कर देना है, लेट मी जस्ट टैप ऑन कंटिन्यू एंड दैट्स इट। ये मेरे साथ वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, आपका जो आईफोन का पासवर्ड है या फिर आपके जो नॉर्मल डिवाइस का जो भी पासवर्ड है वो आपको टैप कर देना है एंड दैट्स इट। पेमेंट इज सक्सेसफुल, $100 हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया है, हमने पेमेंट कर दिया एंड पेमेंट करते के साथ यहाँ पे कोटेक्स के पास भी जो पेमेंट है वो पहुंच गया क्वाइट फास्ट, विद इन अ सेकंड आपका जो पेमेंट है वो इनिशिएट हो जाएगा। एंड यस, अपना जो $100 का डिपॉजिट है, मैं जूम इन कर देता हूँ, $100 का डिपॉजिट वो सक्सेसफुल, योर बैलेंस हैज बीन अपडेटेड। ओके क्लोज पे मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ, जो $1000 का बैलेंस था दैट इज नाउ $1108। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि दैट इज क्वाइट फास्ट, क्वाइट बेटर एंड क्वाइट रिलीवेंट अगर आप यूएसडीटी से यूज करते हो। एक बार बस अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस में जरा सा 5-7 मिनट लगने वाला है, क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस में, उसके बाद तो यूपीआई से भी फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स हो जाएंगे आपके आई कैन बैट। एंड Binance पे में अगर आप विड्रॉल लेते हो देन इट में टेक्स मैक्स 30-40 मिनट्स, आपका विड्रॉल 30-40 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो यूपीआई में नियर टू 2-3 घंटा लगता है एटलीस्ट। सो इट शुड बी वे बेटर फॉर यू एज वेल। अभी सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे लाइव अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया है, डिपॉजिट के बाद सिंपली हम टैप करने वाले हैं विड्रॉल पे। आप लोगों ने जितना ट्रेड करना था वो ट्रेड कर लिया है, विड्रॉल पे टैप करेंगे। अभी टाइम आ गया है विड्रॉल करने का। अभी जो अपना मेथड है बेसिकली, उससे हमें जो भी मेथड से आप डिपॉजिट करते हो उसी मेथड से आप लोगों को सिंपली विड्रॉल ले लेना है। पेमेंट मेथड आप लोगों को लाइक नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है मेरे पास, तो विड्रॉल में क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है, सो बेटर फॉर मी। USD टेदर है, Binance पे है, काफी सारे ऑप्शन है। जैसे कि मैं विड्रॉल लेना चाहता हूँ, मेरा
है USD Tether के थ्रू। अभी USD Tether का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमेशा जो आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है वो जो ये गिवन नेटवर्क्स है ना यही सिलेक्ट करने हैं, या तो BEP20 या फिर TRC20, इन्हीं दोनों नेटवर्क्स में से आपको एक नेटवर्क सिलेक्ट करना है। अभी आपको ये एड्रेस मिलेगा कहाँ पे, ये तो मैंने कर दिया TRC20, अभी ये पर्स का एड्रेस कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, चलो डायरेक्टली चलते हैं बाइनेंस ऐप पे। बाइनेंस ऐप पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे एक बार लॉग इन कर लेता हूँ एज ए लॉग इन फ्रॉम अनदर डिवाइस, तो यहाँ पे लॉग आउट हो गया था, मैं लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे। ऑल राइट, सो मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है, एक कोड आएगा मेरे पास, मैं कोड एंटर कर देता हूँ। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे, जो अपना अकाउंट है उस पे। अभी सिंपली हम लोगों को क्या करना है कि अपना जो USDT का एड्रेस है उस USDT के एड्रेस को कॉपी करके हमें कोटेक्स में जाना है, एंड कोटेक्स में वहाँ पे जाके हमें उसको पेस्ट करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ एड्रेस मिलेगा कहाँ पे। जो लास्ट रो में वॉलेट्स का आइकन है ना, वॉलेट्स पे टैप करना है। वॉलेट्स पे टैप करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको एक आइकन दिखेगा बाय और डिपॉजिट का, सिंपल वे बता रहा हूँ, डिपॉजिट पे टैप करना है। टैप करने के बाद USDT पे टैप करना है, क्योंकि हम लोग USDT से विड्रॉल ले रहे हैं। ये आप लोगों के सामने आपके सारे एड्रेसेस आ गए। हमें कौन कौन से दिखाए थे वहाँ पे, TRC20, BEP20, ERC20, पॉलीगन, सोलाना, एट्रीब्यूट 1 एंड ये आर्बिटम 1, जितने भी ऑप्शन है ये सब आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ये सिलेक्ट करोगे आपके फंड्स आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो कैंसिल होकर वापस कोटेक्स में आ जाएगा। TRC20 पे टैप कर देता हूँ। TRC20 पे टैप करते के साथ USDT डिपॉजिट एड्रेस है अपना ये, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे सिंगल टैप में कॉपी हो जाएगा। कोटेक्स पे आ जाना है, पर्स पे अपना जो एड्रेस था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड दैट्स इट। जितने भी डॉलर्स का आप लोगों को विड्रॉल लेना है, 100, 200, 300, 400, 500 जितने भी आपके अकाउंट्स में है, दैट्स टोटली अप टू यू। सिंपली यहाँ पे आप लोगों को कर देना है TRC20 मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपको अमाउंट डाल के एंड कंफर्म कर देना है, एंड आपका पे आउट जो है विद इन 15 to 20 minutes, 30 minutes के अंदर अंदर आपके बाइनेंस अकाउंट में आ जाएगा। मैं यहाँ से विड्रॉल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इस अकाउंट को और ज्यादा ग्रो करना है, बट विड्रॉल प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल, आप सभी को पता है, सिंपल यहाँ पे स्टिल कंफर्म करके आपका जो विड्रॉल है वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं चला जाता हूँ दोबारा बाइनेंस पे। अभी इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका विड्रॉल यहाँ से इनिशिएट हो गया, आप लोगों ने ट्रेड कर लिया, अभी आपका जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे आ गया है। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अब नाउ इज द टाइम टू एक्सप्लेन यू, जब आपका विड्रॉल आएगा तो वो डायरेक्टली आप जब P2P ट्रेडिंग में जाओगे ना, यहाँ पे P2P ट्रेडिंग में, देन आप यहाँ पे सेल नहीं कर पाओगे अपने बैलेंस को, तो उस चीज को किस तरीके से इनिशिएट करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वॉलेट्स पे आना है, आपका जो फंड आएगा वो आएगा स्पोर्ट में, ओवरव्यू, स्पोर्ट, फंडिंग, अर्न, फ्यूचर्स, काफी सारे ऑप्शंस है। स्पोर्ट में आपका बैलेंस जो है वो आएगा विड्रॉल होके, यहाँ पे आपका बैलेंस दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली करना क्या है, ट्रांसफर पे टैप करना है, ट्रांसफर पे टैप करके स्पोर्ट टू फंडिंग करना है, एंड USDT आएगा तो यहाँ पे BNB, जो अपना ये BNB है इसको USDT पे सिलेक्ट कर देना है। जस्ट अ मोमेंट, लेट इट गेट लोडेड। ऑलराइट, स्पोर्ट में आएगा, स्पोर्ट से आप लोगों को ट्रांसफर कर देना है आपका जो भी फंड रहेगा, लाइक USDT रहे या जो भी रहे USD। अगर नहीं दिखा रहा है वहां पे, देयर माइट बी सम एरर, USDP मैं यहाँ पे सिंपली टैप करूंगा, USDT का ऑप्शन आ गया, USDT पे टैप कर दिया, USDT Tether US स्पोर्ट से अब आप लोगों के सामने। इन केस अगर यहाँ पे कोई और दिखाता है, कोई नेम फ्यूचर, आइसोलेटेड मार्जिन, USDM फ्यूचर्स, क्रॉस मार्जिन, कुछ भी दिखाता है, आप लोगों को उन सब चीजों को नहीं देखना है। आप लोगों को करना क्या है, सिंपली फंडिंग पे टैप कर देना है। फंडिंग पे टैप कर दिया, दैट्स इट। आपको यहाँ पे मैक्स पे सिलेक्ट कर देना, आपका जितना भी अमाउंट होगा आपको मैक्स पे टैप करते के साथ पूरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, कंफर्म ट्रांसफर विद इन अ सेकंड क्या माइक्रो सेकंड में वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, एंड दैट्स अबाउट इट। अब वो आपका अमाउंट जो है वो फंडिंग में आ जाएगा। फंडिंग में जैसे कि मेरे पास रखा हुआ है $3,394। अभी मुझे लेना है इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में। अभी जो कोटेक्स से मेरे, देखो डिपॉजिट करते वक्त हमने जो USDT 84 के प्राइस पे चल रहा था उसको हमने 90 रुपए के प्राइस में खरीदा था, जो 84 के प्राइस पे चल रहा था हमने 90 रुपए के भाव में खरीदा था। अभी जब मैं उसको सेल करूंगा तो वो कोटेक्स से मेरे पास आएगा 84 रुपीज में, बट मैं उसको सेल करूंगा 90 रुपीज के भाव में। ये चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप नॉर्मल यूज करते हो बाइनेंस लाइट तो वहां पे मे बी वो ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने डील्स को पॉपअप कर दे एंड आप लोगों के सामने वो फ्यूचर ना आए। होम पे जाऊंगा मैं सीधा, डिपॉजिट पे टैप करता हूँ, P2P ट्रेडिंग पे टैप करता हूँ, एंड P2P ट्रेडिंग पे टैप करने के बाद मैं सेल पे टैप करूंगा। यहाँ पे सेल पे टैप करने के बाद 94 तक के प्राइस मिल रहे हैं मुझे, 94 रुपीस में मैं जो USDT है उसको सेल कर सकता हूँ। मुझे किस में चाहिए अपने अकाउंट में, फिल्टर में आके मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे अपना UPI, IMPS, बैंक ट्रांसफर इंडिया, एंड कन्फर्म कर दूंगा। अब इससे रिलेटेड जो भी डीलर मुझे सेल कर रहा होगा उसको मैं अपने USDT को जो है सेल कर दूं। रिफ्रेश करते रहना है, 90 रुपीज, 91, 92, 93, 95 तक, कभी कभी ऐसा रहता है स्पाइक मार के 100 तक भी आप अपने USDT को जो है 2-3% मोर गेन आप लोग सेल आउट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को एक बार सेल करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो 360 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, यहाँ पे आप लोगों को देखना है जो सबसे कम टाइम में आपका जो अमाउंट है वो क्लियर करे। 15 मिनट में ये बंदा मेरे पास पेमेंट कर देगा एंड मैं इसको USDT जो है वो रिलीज कर दूंगा। सो मुझे देखना है सबसे कम टाइम में, क्योंकि मुझे अर्जेंट फंड्स की नीड है, तो मैं 15 मिनट
आपके साथ जाऊंगा। हमेशा देखना क्या है, जो ट्रस्टेड सेलर्स हो, ये टिक का साइन है ना, वेरीफाइड सेलर्स, वेरीफाइड सेलर्स के साथ हमेशा डील करो, आपका फंड भी सेफ रहेगा, कोई स्कैम भी नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं कि बाइनेंस में स्कैम होता है, तो उस स्कैम से भी आप लोग बचे रहोगे। 15 मिनट में 89.38 रुपीस के भाव से मुझे यूएसडीटी मिल जाएंगे, मैं सेल कर देता हूं। अभी इसके लिए मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, ये भाई अपनी जो क्वांटिटी है वो सेल करेगा 1,00,000 रुपए से जो है अपना 50,00,000 रुपए के बीच में। आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देखना है, जैसे आपका फंड है 10,000 रुपए, तो आपको सूटेबल जो भी मिले, जैसे 60,000 से इसके बीच में, 10,000 से इसके बीच में, 50,000 से इसके बीच में, आपके अमाउंट को आप लोगों को सेल कर देना है। सिंपली मुझे कितना करना है, 1,00,000 से उसके बीच में और 15 मिनट के अंदर करना है। मैं सिंपली सेल पे टैप कर देता हूँ। सेल पे टैप करने के बाद अभी मेरे पास फंड तो काफी ज्यादा है, बट मुझे सिर्फ चाहिए कितना, $1,100। चलो $1,118 इसका मिनिमम है, मैं $1,200 सेल कर देता हूँ। यहाँ पे पेमेंट मेथड अपना, जो आपको जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो वो वहां पे आप लोगों से पूछेगा कि आपको किस अकाउंट में पैसे चाहिए, तो आपको वहां पे अपना सिंपली UPI भी ऐड कर देना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी अपने फ्रंट पेज ऑफ पासबुक पे देख के ऐड कर देना है। जो आपकी पेमेंट डिटेल्स ऐड करने का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा सिंपल है, दैट यू कैन डू बाय सेल्फ एज वेल। तो वो प्रोसेस बेसिकली मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं डायरेक्टली स्विच कर लिया था मेन अकाउंट पे। UPI ऐड करना है क्वाइट सिंपल, सिंपली एक सिंगल टैप में कर लोगे, मेरे अकाउंट में आ जाएगा 1,200 USDT, सेल कर रहा हूं मैं, सेल USDT, अपना जो है बैंक अकाउंट पे टैप कर दिया, सेल USDT पे टैप कर दिया। ऑलराइट, जो डील है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टू रिसीव पेमेंट इन 4 मिनट, 3 मिनट का टाइम है यहाँ पे, 15 मिनट तक हम स्टिल रुकेंगे, क्योंकि 15 मिनट का जो टाइम है वो है डील का हमारे पास। सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में ये भाई मुझसे पूछ रहा है मेरा फोन नंबर, आपसे जो भी डिटेल्स पूछे दैट यू कैन गिव एज वेल। मैं यहाँ पे अपना नंबर ड्रॉप कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना नंबर जो है बेसिकली ड्रॉप कर दिया है। अब जैसे ही मेरे डिवाइस में पेमेंट आएगा, मैं आप लोगों को पेमेंट भी दिखाने वाला हूँ कि हाँ मेरे पास जो पेमेंट है वो आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। एंड अपना जो पेमेंट आने वाला है वो आने वाला है 1,07,256 रुपए का। अभी देखो सामने वाले ने क्या किया है, यहाँ पे सामने वाले ने किया है कि वी हैड ट्रांसफर्ड योर पेमेंट, यहाँ पे अपने पास आ गया है वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन, लेकिन अभी हमें यहाँ पे टैप नहीं करना है, पेमेंट रिसीव्ड पे टैप नहीं करना है, हम पहले चैट में ही जाएंगे वापस। यहाँ पे अगर बैक हो जाता है तो ऑर्डर्स पे आना है, यहाँ पे आप लोगों को चैट पे टैप करना है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि पेमेंट डन रिलीज फास्ट। अभी मैं जाऊंगा अपने अकाउंट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में, मैं वहां पे देखूंगा कि पेमेंट आया या नहीं आया। ऑलराइट, सो अभी जस्ट नाउ मेरे पास ये टेक्स्ट आ चुका है, डियर कस्टमर योर अकाउंट नंबर दिस credited with this amount, 1,07,256 रुपए के साथ क्रेडिट हो चुका है। Within 1 to 2 minutes आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कट पे टैप करना है, यहाँ पे जो कट का आइकन है ना, इसके ऊपर अपन को टैप कर देना है। टैप करने के बाद प्लीज रिलीज का यहाँ पे आइकन आ रहा है, डील पे आ जाएंगे दोबारा, वेरीफाई पेमेंट, पेमेंट अपने पास आ गया है, पेमेंट रिसीव्ड। इसके बाद अगर आपके पास पेमेंट नहीं आया है तो आप लोगों को सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर आना ही नहीं, अगर पेमेंट आ गया है आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द पेमेंट, टैप करना है कन्फर्म रिलीज एंड गो टू सिक्योरिटी पेज। अगर आपसे ऐसे पास कीज या फिर कुछ भी पूछता है देन यू कैन गिव दीज, अगर ये चीजें ये नहीं पूछता है देन डायरेक्टली यू कैन गो विद ट्रांजेक्शन। मैं सिंपली मोबाइल से कर देता हूँ, अगर मैं आईपैड से करूंगा इट में टेक सम टाइम, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन में प्रोसेस हो जाएगा। P2P ट्रेडिंग पे आए हम लोग यहाँ पे बेसिकली, एंड आने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स पे, ऑर्डर्स पे आने के बाद यहाँ पे हमें रिसीव हो गया है पेमेंट, आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द पेमेंट, कन्फर्म रिलीज। अभी यहाँ पे पासकी के लिए मुझसे पूछता है, पासकी अगर आपको जनरेट करना है यू कैन जनरेट, बाकी 80% ऑफ द टाइम ये पूछता नहीं है, बट स्टिल इफ इज आस्किंग, मैंने यहाँ पे अपना पासकी इसको दे दिया है एंड दैट्स इट, द डील इज कंप्लीटेड। मुझे यहाँ पे सिंपली डन पे टैप कर देना है। अभी आपका जो फंडिंग वाला स्पॉट है वहां से आपका जो फंड है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने $1,000 सेल कर दिए हैं, तो यहाँ पे $2,193 का अपने पास बैलेंस हो गया है, अकाउंट में पैसा आ गया है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि आप लोगों को जो मैंने प्रोसेस बताया है वो प्रोसेस एकदम नीट एंड क्लीन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो के थ्रू ट्रेड करना, डिपॉजिट करना, विड्रॉल्स करना कितना ज्यादा आसान है। सो मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट दिस, एंड अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट में बता देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में बता देना, एंड दैट्स अबाउट इट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम में आ जाओ फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टू गेट goals and like knowledge of each and every segment of market. So that's about it. I will see you all into the next video with another amazing content. Till then, bye bye, love you all, make sure to show your support into this dedicated video as well. Bye bye, love you all, trade safe, trade well, peace out.